सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और हर हफ्ते की तरह एक बड़ा ही अनोखा एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब के गाने जो हैं वो आपके सामने पेश किए जाएंगे, और साथ ही कुछ बेहतरीन किस्से लता जी की जिंदगी से जुड़े और किशोर कुमार साहब की जिंदगी से जुड़े जो हैं वो आपके सामने आएंगे। कुछ नहीं दीदी, मजेदार उदास क्यों हो? रोहित के पापा की नौकरी चली गई है, 1.5 महीने से वो घर पे बैठे हुए हैं। ऊपर से रोहित ने मेरी जान खाई हुई है कि उसे पटाखे चाहिए, नए कपड़े चाहिए, दिवाली आ रही है, मेरा तो घर भी बिखरा पड़ा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम अपना काम करो। हेलो। हेलो, हाँ राधा, क्या कर रही हो? दीदी वो रोहित को सुला रही थी। अच्छा अच्छा, रोहित सो गया। अच्छा राधा, एक काम करो, कल जल्दी से तैयारी कर लेना, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं दीदी? अरे हर साल तो जाते हैं। आपको तो पता है ना, मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा है। देखो राधा, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, तुम जल्दी से तैयारी कर लो, हम कल जाएंगे, परसों दिवाली वाले दिन वापस आ जाएंगे। दीदी मेरी बात तो सुनो। देखो राधा, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, तुम तैयारी करो। सुनो जी, वो प्रिया दीदी बोल रही थी दिवाली की छुट्टियों में घूमने जाने के लिए। मैं नौकरी देखने के लिए कहीं जा रहा हूँ, तुम जाओ। हाँ हाँ दीदी। अच्छा राधा, एक ना प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो दीदी? हम लोग नहीं जा पाएंगे, रवि को बहुत जरूरी काम आ गया है, तो एक काम करो तुम लोग जाओ, ठीक है? स्पेशल तेल के पकोड़े याद आ रहे हैं। वो बुलबुल तेल वाले? हाँ एग्जैक्ट। अरे नहीं नहीं, आपने तली हुई चीजें नहीं खानी। अरे दीदी बुलबुल तेल का कोई नुकसान नहीं है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और उससे कुछ भी नहीं होता है। और वैसे भी मैं घर पे बुलबुल तेल से पकोड़े बनाती हूँ। अब बस रुको 2 मिनट। बिना केमिकल के कोहलू से निकाला गया कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल, अपनाओ शुद्धता, अपनाओ बुलबुल तेल। इस दिवाली खुशियां बांटें, आओ कुछ नया करें बुलबुल तेल के साथ।